पंजाब में एक ऐसा भी गांव है जिसका नाम बड़े ही शान से लिया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंजाब में मोगा शहर में स्थित गांव महल कला की। महल कला अपने आप में बहुत ही छोटा गांव है, मगर अगर बात की जाए महल कला के सूरमों की, तो वहां पर एक पैदा हुआ था सूरमा जिसका नाम था सुबेदार जोगिंदर सिंह। जिस दोस्तों, सुबेदार जोगिंदर सिंह का नाम भारत के इतिहास में सुनहरी अक्षरों से लिखा गया। ऐसा क्या किया सुबेदार जोगिंदर सिंह ने कि आज भी उनके नाम को भारतीय फौज सलाम करती है। सो दोस्तों, पूरी कहानी बताएंगे सुबेदार जोगिंदर सिंह की बहादुरी की। अगर बात करें उनके जन्म की, तो 26 सितंबर 1921 में बताया जाता है कि सुबेदार जोगिंदर सिंह होता है पंजाब के महल कला गांव में, जो बहादुरी के किस्से दूर दूर तक प्रचलित थे। और 28 सितंबर 1936 जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, तब उनकी उम्र चाहे बहुत ही कम थी, मगर बहादुरी बहुत ज्यादा थी। देश की आजादी से बाद 1948 में जब इंडो पाक जो है बंटवारा होता है, तो सुबेदार जोगिंदर सिंह ने बतौर पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी सेवाएं। सो दोस्तों, आजादी के बाद लगातार कुछ ना कुछ होता रहता था, मगर सुबेदार जोगिंदर सिंह को जहां पर भी पोस्टिंग होती वहां पर बड़ी बहादुरी से खड़े रहते थे। बात उस समय की है जब 1962 में तैवांग में भारतीय फौज पर चाइना ने पहली बार हमला किया। इस हमले का डट के मुकाबला किया था सुबेदार जोगिंदर सिंह ने। बताया जाता है कि 23 अक्टूबर 1962 को चाइनीज ने एकदम हमला कर दिया भारत के ऊपर, और जब चाइना ने भारत पर हमला किया, मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनका सामना सुबेदार जोगिंदर सिंह से होने वाला है। सुबेदार जोगिंदर सिंह की ब्रिगेड जो है चाइना के मुकाबले बहुत कम थी। अगर बात करें हथियारों की, तो हथियार भी हमारे पास बहुत कम थे, मगर जोगिंदर सिंह के हौसले जो थे बहुत बुलंद थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो उतनी देर वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि वो चाइनीज फौज को खुदेड़ नहीं देते। तो जंग शुरू होती है, और लगातार जंग के मैदान में पुलिसों ने हाल दे नारे जो है लगाए जा रहे हैं, और लगातार सरदार जोगिंदर सिंह सूबेदार चाइनीज फौज पर अपनी गोलियों की बरसात करते हैं, और चाइनीज फौज लगातार ढह ढेरी होती जा रही है। एक के बाद दूसरी पलटन आती है, दूसरे के बाद तीसरी पलटन आती है। इतने में सूबेदार जोगिंदर सिंह को इंडियन आर्मी की तरफ से कहा जाता है कि अगर वो चाहे तो मोर्चा छोड़ सकते हैं, मगर सूबेदार जोगिंदर सिंह के हौसले और बुलंद इरादे थे, वो एक बार ठान लेते थे तो उन्होंने अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ बात की, और बात करने के बाद ये फैसला लिया कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए वो इस मैदान को नहीं छोड़ेंगे। सुबेदार जोगिंदर सिंह घायल है, मगर उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। वो लगातार शेरों की तरह चाइनीज फौज पर टूट पड़े हैं, और लगातार उनके सभी साथी शहीद होते जा रहे हैं, मगर बेपरवाह वो लड़ाई के मैदान में डटे रहते हैं, और आखिर में वो शहीदी प्राप्त करते हैं। नाम है ऐसे वीर को जिसने हमारी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान दिया। ऐसे शहीदों को प्रणाम करता है हमारा चैनल। धन्यवाद।